और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बंगाल में खेला होवे, जी हाँ, राजनीति में रातों रात क्या खेल हो जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे, बंगाल में बीजेपी अपने इसी नारे को सच साबित करने में जुटी हुई है। आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर से तृणमूल कांग्रेस विधायक जितेंद्र तिवारी ममता बनर्जी को बाय बाय करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनका बीजेपी में शामिल होना किसी ड्रामे से कम नहीं है। आपको बता दें कि केएमसी के प्रशासक फिरहाद हकीम के साथ विवाद होने पर जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी और आसनसोल निगम के प्रशासक के चेयरमैन पद से पहले इस्तीफा दे दिया था। बाद में ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद जितेंद्र तिवारी मान गए थे और पार्टी का दामन फिर से थाम लिया था, लेकिन अब उन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी में शामिल होते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विधायक दफ्तर का शुद्धिकरण करके जश्न मनाया। टीएमसी का यह कहना है कि जितेंद्र का जाना बीजेपी के लिए घातक और टीएमसी के लिए वरदान साबित होने वाला है। जितेंद्र तिवारी के पहले भी बीजेपी में शामिल होने की, आपको बता दें, चर्चा चल रही थी और तब आसनसोल से ही सांसद बाबुल सुप्रियो ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब ये दावा है कि मामला सुलझ गया है। और बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले तक जितेंद्र तिवारी बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इस बात को हरी झंडी मिल गई है। महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं और पार्टी, मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूं, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपने बड़े परिवार में मुझे भी अपना सदस्य बनाया। तो बंगाल में खेला होवे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सियासत गर्मा गई है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके साथ ही हिंसक घटनाओं ने भी जोर पकड़ लिया। एक के बाद एक ऐसी हिंसक घटनाएं सामने आने लगी हैं और सियासी बिगुल जो है वो फिलहाल बच चुका है। मोदी वर्सेस दीदी की जंग साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बात करें इसके अलावा तमाम पार्टियों की, तो कांग्रेस भी गठबंधन करके सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन जंग जो है फिलहाल टीएमसी और बीजेपी में दिखाई दे रही है। बंगाल की बेटी, ये अभियान चलाया जा रहा लगातार टीएमसी की ओर से, और बेटी के तौर पर ममता बनर्जी को दिखाते हुए टीएमसी सत्ता में लौटना चाहती है। वहीं बीजेपी ने भी बंगाल की बेटियां, बीजेपी की बेटियां उतारी हैं पोस्टल कैंपेन के जरिए और उसमें ममता बनर्जी को बुआ के तौर पर पेश किया। और बुआ वर्सेस बेटियां, और जनता बेटियों को चुनेगी, ये लगातार बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। तो तमाम कैंपेन इस दौरान दिखाई दे रहे हैं, जंग साफ तौर पर मोदी वर्सेज दीदी की इस वक्त दिखाई दे रही है। हालांकि बाकी की पार्टियां भी तमाम सीटें हासिल करती है, कर सकती हैं, समीकरण ये बन रहे हैं। तो राजनीति इस वक्त पश्चिम बंगाल में गरमाई हुई है। आपको बता दें 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन नजरें सभी की पश्चिम बंगाल पर हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल हर मायने में काफी अहम बीजेपी के लिए। तो राजनीति में तो रातों रात क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ममता बनर्जी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि बंगाल में खेला होबे, अब कौन सा खेला होगा ये देखना है। इसके ऊपर भी मुद्दा काफी भुनाया जा रहा है, बीजेपी की ओर से तमाम कैंपेन चलाए जा रहे हैं। वहीं बात करें विकास की, तो विकास के मुद्दे इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन राजनीति जमकर हो रही है। और पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव हुए हैं तो हिंसक घटनाएं ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुंडा राज बंगाल का साफ तौर पर सबके सामने है और टीएमसी भी इस बात से मुकर नहीं सकती है कि उनके राज्य में, उनके शासन में किस प्रकार से गुंडा राज, तमाम तस्वीरें जो सामने आती है चुनाव के दौरान हिंसक घटनाएं और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हिंसक घटना भी उसी रात को सामने आ गई, जहां पर बीजेपी के रथों पर तोड़फोड़ की गई और टीएमसी पर आरोप लगा, जिसके चलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और यही बताए जा रहे हैं कि वो 5ों जो हैं टीएमसी के ही हैं। तो जंग तो फिलहाल साफ तौर पर बीजेपी और टीएमसी में दिखाई दे रही है, हालांकि बाकी पार्टियों की भी खास हिस्सेदारी इस दौरान दिखाई दे रही है, तमाम सीटें उन्हें भी जा सकती हैं, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं इस वक्त टीएमसी कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रातों रात खेल बदल सकता है, ऐसा कभी भी हो सकता है। और अब टीएमसी से विधायक,
टीएमसी को बाय बाय करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बीजेपी से राहुल आनंद जुड़ गए हैं अपना पक्ष रखने के लिए, साथ ही हमारे साथ टीएमसी से डॉक्टर दयाशंकर। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगी। राहुल आनंद जी, बंगाल में खेला होबे, रातों रात कुछ भी हो सकता है, अब विधायक जो है टीएमसी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन टीएमसी साफ तौर पर कह रही है कि ये बीजेपी के लिए घातक है, हमारे लिए तो खुशी की बात है। देखिए, एक पुरानी कहावत जिसमें लोग बोलते हैं कि खिसियाईनी बिल्ली खम्भा नोचे, तो ये वही चीज दिख रहा है। कहीं ना कहीं टीएमसी के राजनीतिक नेतृत्व से असंतुष्ट होकर वहां के विधायक और मंत्री बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जब भी इलेक्शन होती है तो जो सामने जो पार्टी होती है उससे बहुत सारे लोग असंतुष्ट होकर एक खेमे से दूसरे खेमे में जाते हैं, लेकिन बंगाल की जो चुनाव है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें जो रंग दिया जा रहा है, जो सांप्रदायिक घटनाएं घट रही है वहां पर, जिसको लगातार टीएमसी भुनाने का प्रयास कर रही है पिछले 2 सालों से, जिस तरह का माहौल वेस्ट बंगाल में क्रिएट किया गया है, तो ये देखने में बनता है। असली में असहिष्णुता का माहौल तो बंगाल में ही है, लेकिन ये बड़ा ही दुखद बात है कि कोई भी वरिष्ठ नेता वगैरह जो हमारे विपक्ष में रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे तो कटाक्ष जरूर करते हैं, लेकिन वो वेस्ट बंगाल के ऊपर कहने से जरूर बचते हैं। और अभी जो ममता बनर्जी का एक बयान आया जिसमें खेला होवे की उन्होंने बात की है, ये बात सही है, ये राजनीतिक है, और इसमें राजनीतिक के रण में कभी भी समीकरण किसी के भी हिस्से में जा सकते हैं। और उनके जो असंतुष्ट विधायक जो हमारे दल में सम्मिलित हुए हैं तो उनका स्वागत है, और नुकसान तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं दिख ही रहा है क्योंकि उनके ही खेमे के बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। अगर आपके शरीर में कहीं अगर कहीं घाव हो जाए तो हम ये जरूर कहते हैं कि अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे फर्क तो पड़ता है ना, बिल्कुल फर्क पड़ता है, ये पड़ेगा, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और खास करके बंगाल की जो राजनीति है उसे एक एक सुंदर स्वस्थ माहौल में कराने की आवश्यकता है। और अभी जी ठीक है, डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगी, खिसियानी बिली खंबा नोचे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए घातक है और आपकी पार्टी के लिए अच्छा है? तो पहले से ही व्यक्ति मन बना रखे हैं कि कहीं अपने ऊपर भी किसी प्रकार की आंच ना आ जाए, मन में अगर रहता है मलाल तो जहां जाना है जाएंगे। और अभी आनंद भाई साहब ने कहा जिस प्रकार से, तो अच्छा होता कि और भी स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, बीपीएफ इनके साथ 5 साल रहा साथ में, लेकिन बोडोलैंड जो पीपुल्स पार्टी है आसाम में इनके साथ से 10-12 विधायकों वाली पार्टी से साथ छोड़ दी, यहाँ तो एक आध विधायक चले जाते हैं, ये तो स्वाभाविक चीजें है ना। चुनाव कहीं भी हो, देश में कहीं भी हो, पूरे विश्व में कहीं भी हो, चुनाव के समय ये आम प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाता है, और इनके यहाँ तो पूरे पार्टी के लोग साफ हो जा रहे हैं, पूरी पार्टी ये साथ छोड़ के चली जाती है ना, चक्कर तो ये है। लेकिन टीएमसी के लिए झटका है या नहीं है? पहले जिस तरीके से विधायक गए कई और उसके बाद अब एक और विधायक, तो जिस प्रकार से टीएमसी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है एक के बाद एक विधायकों का छोड़ना, नुकसान तो टीएमसी को हो रहा है। टीएमसी को क्या नुकसान हो रहा है, असम में तो पूरी पार्टी के साथ लोग, देखिए सिर्फ एक व्यक्ति जो है किस कारण से छोड़ा है, हो सकता है उसका टिकट कटने का उसको भय हो, कार्य नहीं किया होगा जनता के बीच में। और जो है अपने यहाँ क्या है कि जो व्यक्ति जनता के तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं, जनता के बीच में धरातल पे पब्लिक के बीच में जाके दीदी से सीखते हुए जिस प्रकार से अपना जो महंगाई का विरोध करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से, महुआ मित्रा साइकिल से चलते, उस प्रकार से सीख कर वो चले, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर रुपया लेकर और जनता का कोरोना काल से गुजर रहा है, लंबे प्रक्रिया के लिए चुनाव कराना जाना जनता के हित में नहीं है, जनता का और देश का संसाधनों का दुरुपयोग करने लायक है, उस तरह की मानसिकता रखने वाले विधायकों को तत्काल पार्टी से बाहर चला जाना चाहिए, तो उस टाइप की मानसिकता रखते होंगे चले गए होंगे। चले ठीक है, राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी, टीएमसी ये कह रही है कि उसके लिए अच्छा है कोई भी जाए, चाहे टीएमसी से कितने भी विधायक जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसका फर्क तो पड़ेगा इनके ऊपर,
ठीक है, बस ये पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में अपने आप को संवादना देने का प्रयास कर रहे हैं और टीएमसी के अध्यक्ष को ये खुश करने के लिए उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फर्क तो पड़ता है, अगर कोई आपका जनप्रतिनिधि है और वो उसने दल को बदल लिया, वो वैसे वक्त में जिस वक्त में आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप वहां पे सिटिंग एमएलए हैं, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है, सवालिया निशान जरूर आता है। और जो अभी तो आने वाले समय में और भी अंतरकला आपको नजर आएंगी, बस ये देखना है। आप अगर आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा हो, वेस्ट बंगाल भी इस चीज को देख रहा है, मैं पूछना चाहूंगा कि जितनी भी विरोधी ताकतें हैं भाजपा के विपक्ष में, आप देखिए उन्होंने किस किस से हाथ मिला लिया है, कैसे कैसे हाथ मिला लिया है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को रोकने के लिए। और ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त और मजबूत बना रहा है जनता के बीच में, ये अच्छी बात है। और जो सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं, जो धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, उन्होंने भी किससे हाथ मिला लिया है, ये भी सोचने वाली बात है और सवालिया निशान उठता है। तो ये जो बातें जो होती हैं सांप्रदायिकता, अब इससे हम परे हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, अब हम पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और देखा जाए अगर हकीकत जनता के बीच में, तो वहां पे अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए, तो वहां पे अभी भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। लोगों ने देखा, देश ने देखा, लोगों का भरोसा मोदी सरकार पे अब भी बरकरार है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल में हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजरा, उसमें अगर मोदी जी नहीं रहते तो शायद स्थिति और भयावह हो सकती थी। जिस तरह का डरिंग डिसीजन लेकर रोका गया, और हमने इस चीज को सिद्ध भी किया है अपने कार्यों के माध्यम से, तो हमें कहने में नहीं करने में हम यकीन रखते हैं। और फर्क तो इनको पड़ेगा आने वाले समय में, अभी समय और नजदीक आने दीजिए, और आप देखेंगे किस प्रकार से और दल, उनके दल के कितने लोग हमारे दल में आते हैं। जी ठीक है, दयाशंकर जी आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, फर्क आने वाले समय में दिखाई देगा कि कितना पड़ता है, लेकिन बात अभी असम की नहीं हो रही है, बात पश्चिम बंगाल की हो रही है। और पश्चिम बंगाल में ये जानेंगे, ठीक है, ये लगा रहता है कि कोई भी पार्टी से नेता दूसरी पार्टी में जाते हैं, चाहे उनकी पार्टी से आपकी पार्टी में आते हैं, ये लगा रहता है, लेकिन नुकसान इसका जरूर होता है पार्टी को, खासतौर पर अभी जरूरत है, चुनाव है। बताया तो आनंद साहब ने बताया, जिस प्रकार से वर्णन किया कि बहुत से विधायक आने जाने वाले, अरे भाई जनता आपके पार्टी में आएगी कि ये नहीं आएगी ये तो बताइए। सिर्फ विधायक का आप विधायक विधायक खेल रहे हैं कि जनता के से भी आप रूबरू होते हैं, जनता की भी विचारों को आप सुनते हैं। सिर्फ विधायक आएंगे, विधायक से सरकार नहीं बनती है, जनता सरकार बनाती है और बिगाड़ती है। ये लोग तो खरीद फरोख्त में भी विश्वास रखते हैं ना, जनता के दरबार ये लोग जाएंगे नहीं, जनता से अपील करेंगे नहीं, काम पे चर्चा करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ विधायक कहाँ से खरीदे, सांसद कहाँ से खरीदे, किसको तोड़े किसको जोड़े, जिसका नतीजा पूरे देश देख रहा है कि इनके साथ के जितने भी संगठन हैं इनका साथ छोड़ रहे हैं, और इनका नतीजा है कि ये 2024 में इनसे देश से हाथ में निकल जाएगा, इनकी पार्टी से पूरा देश। ठीक है, ठीक है राहुल आनंद जी, जोड़ तोड़ की पार्टी बना रही है बीजेपी, और आप जवाब देना चाहते हैं आप वो भी दीजिए। उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जो तमाम आरोप लगाए वहां पर, उनके बारे में भी आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे, फिलहाल आप जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए। देखिए मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि जो जोड़ तोड़ का जो हम पे आरोप लगा है तो वो लगने दीजिए, जबकि सारे आरोप निराधार हैं। जब पार्टी सत्ता में होती है ना तो उस पे आरोप लगते हैं, अगर आरोप नहीं लगता है तो इसका मतलब पार्टी के दामन में कहीं ना कहीं कोई दाग नहीं है, इसलिए अच्छी बात है। और जो जोड़ तोड़ की जहां तक राजनीति की बात है, तो मैं आपको बता दूं, आपने सांसद खरीदने की बात की है, आपने क्या कहीं से कुछ पुख्ता प्रूफ दिया है इसका? कहीं से नहीं दिया, केवल बातें आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद ली। अरे यार कैसे खरीद सकते हैं, वो जो लोग, जो पब्लिक की जो आप बात कर रहे थे कि वोट नहीं देती है, तो आपको मैं याद दिला दूं, 2 से 18 सांसद हमारे हो गए हैं वेस्ट बंगाल में, तो ये जनता का ही वोट है, तभी उनको वोट प्रतिशत बढ़ा है। और जो आप जो हमारे जो 2 से 3 जो वहां के जो भी एमएलए हैं वेस्ट बंगाल में, उससे हमारा आंकड़ा देखिए कहां बात जा रहा है। और ऐसा ना हो कि जनता हम पे इतनी मेहरबान रहे कि आने वाले समय हम पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लें। हमें खोने का डर नहीं है, हमें जो देश के हित में जितनी भी बातें हो सकती हैं, जो करना होगा वो हम करेंगे। और देश जानता है कि मोदी है तो मुमकिन है, वो करेगा ही। वो हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो ईमानदार और साफ सभी छवि के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, उन वो जो देश के हित में बातें होंगी वो करेंगे ही, उन्हें वोट बैंक की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जनता ईमानदार व्यक्ति के साथ है और आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है,
तो पहले जवाब ले लेती हूँ दयाशंकर जी, प्रतिक्रिया आप कुछ देना चाहते हैं राहुल आनंद जी की बात पर? जी, ये इन्होंने अभी स्वीकार किया कि आरोप लगता है तो लगने दीजिए, तो ये तो वॉशिंग मशीन लेकर देश भर में घूम रहे हैं लोग कि कोई इनके ऊपर कोई भी आरोप लगाए वो वॉशिंग मशीन रखे हुए साफ कर लेंगे। और इनको ये जानकारी में जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो एक गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है उसकी भी वो रैली देखे होंगे आनंद जी, तो इनको आभास हो जाना चाहिए कि जो ओवर वाक मिला था लोकसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा चुनाव है, इसके मुद्दे स्थानीय होते हैं। और इस बात को जो ओवर वाक दिया था वहां की वाम पंथ और कांग्रेस ने, वो खुद इस बार गठबंधन में लड़ रहे हैं, और वो गठबंधन में जैसे ही लड़ेंगे जो इनका वोट प्रतिशत बढ़ा था वो नीचे चला जाएगा। 223 अभी तक तो हम लोग कहते थे टीएमसी को जनता देने वाली है, 250 प्लस होने जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, एक और जय श्री राम का नारा जो है बीजेपी की तमाम रैलियों में लगाया जाता है, दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है और आकर साफ तौर पर यही कहा है कि राम द्रोहियों की कोई जगह नहीं है बंगाल में। देखिए अब वो बाबा हैं, उनको तो अनाप शनाप नहीं बोल सकते, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम एक सन्यासी साधु को किस तरह की बात रखनी चाहिए, और पहले तो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि वो प्रभु श्री राम के लिए महल बना रहे हैं कि मंदिर बना रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने बंगाल के कहा था कि हम महल बना रहे हैं, तो इस बात पे पूरी धर्म का उपहास हुआ है कि वो व्यक्ति मंदिर को महल बताता है। तो अब क्या बात किया जाए इस मुद्दे पे, ये मुद्दा को छोड़ दिया जाए, अगर अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, महंगाई पे बात किया जाए, इस पे वो लिए अपील किया जाए तो अच्छा होता। और हम लोग प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले लोगों से इस मुद्दे पे बात करना ही नहीं चाहते। वो लोग कुछ तो डिबेट में आते हैं, इनके प्रवक्ता बीजेपी के कहते हैं कि सबको घर दिया, राम को घर दे रहे हैं। अरे भाई, राम अब प्रभु के उनको दर्जा हिंदू धर्म में क्या है? कुछ प्रवक्ता इनके आते हैं तो अमिताभ बच्चन से तुलना करते हैं, तो कहते हैं ना कि जब किसी का पतन होता है तो वो उनका बुद्धि का हरण कर लेते हैं, तो अब बुद्धि जिनका हरण हो गया उनको क्या बताया जाए कि ये शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है राहुल आनंद जी, लव जिहाद पर रोक नहीं लेकिन जय श्री राम पर रोक है पश्चिम बंगाल में, ये कहते हुए अपनी आवाज बुलंद की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो बीजेपी की ओर से दाव चला गया है क्योंकि जय श्री राम के ऊपर बवाल साफ तौर पर दिखाई देता है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां पर भेजना, बीजेपी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही है पश्चिम बंगाल को जीतने का। राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता होते हैं और उनका उनका एक देश में प्रभाव होता है, तो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते प्रचार में वो कहीं से किसी भी शख्स को भेजा जा सकता है। हमारी जो थिंक टैंक होती है, जो प्रचार कार्य समिति होती है, उसमें सारी चीजों को लेकर रखा जाता है। और रही बात योगी आदित्यनाथ जी को कहने पे कि हम जय श्री राम पे नारे पे रोक है, तो इसको तो साबित किया है पश्चिम बंगाल के खुद मुख्यमंत्री जी ने ही साबित किया है, जिस प्रकार से अगर नारे लगते हैं और जिस प्रकार से वो चिढ़ती थी, तो ये कहीं ना कहीं ये उनका ही देन है, उनका ही ये देन है जिसके वजह से आज राम का राज्य को स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि राम के राज में भी रावण हुआ करता था, और पश्चिम बंगाल की राजनीति में लव जिहाद में सबसे ज्यादा केसेस हैं, लेकिन उस पर कभी कोई चर्चा नहीं की जाती है। ये भी बात योगी आदित्यनाथ ने भी ठीक कहा था, हम अगर सनातन धर्म से आते हैं तो हमें अपने धर्म का इज्जत और सम्मान करना सीखना चाहिए, और हमें सीखना भी होगा, क्योंकि हिंदू को अपने धर्म को लेकर जागृत और जागृत मंच हमेशा संचालित करते रहना चाहिए। और रही बात चुनाव में इस प्रकार की बातों का, तो मैं बता दूं आपको, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि जय श्री राम हमें हमारे जीवन में और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, जिसे हमें ताकत मिलती है उन अंदरूनी ताकतों से लड़ने की, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, जो चुनाव में और देश में खास करके जयचंद बनकर बैठे हैं, वेस्ट बंगाल में बैठे हैं और पूरे देश में बैठे हैं। तो उन्हें अगर इससे आपत्ति होती है
तो ये जायज है, ये दिखेगा, ये खटपटाहट बिल्कुल छटपटाहट ये बिल्कुल ही दिखेगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें जनतंत्र में सहिष्णुता का पाठ पढ़ने की जरूरत है सारे लोगों को, जिसे हम पढ़कर अमल भी कर रहे हैं। टीएमसी वालों को पढ़ना अभी भी बाकी है, इनको पढ़ना चाहिए। ठीक है राहुल आनंद जी, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में सिर्फ यही दिखाई देगा कि जय श्री राम का नारा, इसके ऊपर विवाद, या फिर बेटियां वर्सेस बुआ, जो आम मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजगार की बात पश्चिम बंगाल में, इन मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए। ये सामने जो हमारी विपक्ष की जो पार्टी बैठी हुई है, टीएमसी की पार्टी, तो ये टीएमसी ने इस प्रकार का माहौल को खड़ा किया है। और हम मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हर वक्त चुनाव प्रचार में समीकरण बदलते रहते हैं किसी किसी प्रकार का, और वहां की जो स्थानीय मुद्दा है, तो स्थानीय मुद्दा में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार को हर वक्त रोकने का प्रयास किया और अपना उन्होंने प्रचार ज्यादा किया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार जैसे भी चाहे राज्य सरकार की मर्जी से अपने कार्य को करा सकती है, ये इसके लिए अनुबंधित होते हैं। लेकिन वहां का जो चुनावी रण है वो तब्दील हो चुका है जय श्री राम और विपक्ष के फेवर में। तो जय श्री राम हमारे लिए ऊर्जा का संचार है, पहले हम माहौल ठीक करेंगे। पहले भी हमने कहा था इस बात को कि हम पहले माहौल ठीक करेंगे और विकास की गति को दोगुने रफ्तार से बढ़ाने का हम काम करेंगे। आपने देखा होगा जो भी भाजपा शासित प्रदेश है वहां पे रफ्तार विकास की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जहां तक महंगाई की बात है, तो महंगाई एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें इस बात का वर्णन किया गया था कि 15 तारीख के बाद से पेट्रोल डीजल की दामें कम होने लगेंगी, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो असर आम जनता पे दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे कम भी होगा। तो सामने जो समय पड़ा है, बस समय के साथ हमें समय का मुकाबला करना है और जो उचित बातें हैं उनको जनता के बीच में रखकर उनके हित की बातों को करना है। जी डॉक्टर साहब, महंगाई से राहत देने जा रही है बीजेपी, 15 तारीख से ऐलान कर रही है कि महंगाई कम होगी, देखना है कि 15 से कम होती है या नहीं होती है। फिलहाल राज्य में आपकी सरकार है, तो विकास के बारे में चर्चा आपसे भी होगी कि कितना विकास हुआ है और किन किन विकास के मुद्दों को उठाकर टीएमसी इस वक्त चुनाव लड़ रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के तमाम कैंपेन्स का जवाब कैंपेन्स के थ्रू ही देने में लगी रहेगी। देखिए बीजेपी जो है झूठ बोलने वाली पार्टी है, जुमलाबाज पार्टी है। बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा किया था, वहां पहले लोग धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं और संभवतः एक विधायक भी उस धरने प्रदर्शन में जो था उसको भी ये लोग मारे पीटे। तो रही बात, तो पहले जहां जहां वादा, महंगाई तो संभव नहीं है कि बीजेपी कम कर पाए, ये महंगाई बढ़ाने वाली, जो विकास की बात ये करती है ना, तो ये विकास किस में करती है? विकास कार्यालय बनाने में अपना करती है, महंगाई बढ़ाने में विकास करती ठीक है, रोजगार में ये विकास करती है, या अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, बिजली, सड़क, पानी पश्चिम बंगाल के बारे में बताइए ना। डॉक्टर साहब मैं जवाब चाहूंगी, आप ही को बोलने का मौका दूंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल के विकास के बारे में बताइए, क्योंकि जब भी आपसे बंगाल के विकास के बारे में या बंगाल के बारे में प्रश्न किया जाता है आप बाकी के राज्यों को बीच में ले आते हैं। पश्चिम बंगाल के विकास के बारे में, उन मुद्दों के बारे में बताइए। हम लोग अर्थव्यवस्था के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, खाना, भोजन, किसान, महिला, नौकरी, दलित, पिछड़ा, सामाजिक सुरक्षा, सब क्षेत्र में देश से अगर तुलना किया जाए, इस कोरोना काल से गुजरा है देश, उससे हर एक क्षेत्र में काफी ग्रोथ किया गया है। ये लोग तो कहीं बता भी नहीं सकते कि हम लोगों ने किया क्या, बता सकते हैं कि कार्यालय बनाया, शौचालय बनवाया, इनके सिवा और कोई काम तो है नहीं, लोगों का रोजगार छीना, बता देंगे पेट्रोल का दाम बढ़ाया, महंगाई बढ़ा के इसको हमको वोट चाहिए, इतने लोगों को रोजगार दिया, 93 लाख करीब रोजगार दिया गया है 10 सालों में टीएमसी ने दिया है, 37.7 लाख घर दिया है बच्चियों को, वहां पे जो है छात्रवृत्ति दी जाती है, साइकिल दी जाती है, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में विधवा, महिला, दिव्यांग को पेंशन दिया जाता है, किसानों के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपया प्रति एयर, 2 लाख का बीमा, तो काफी योजनाएं हैं जिससे
वहाँ की जनता प्रभावित है, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ विधायक दो चार और हो तो देखें, जल्द से जल्द ले लें, जनता का वोट इनको नहीं चाहिए, विधायक उधायक देखें। ठीक है ठीक है जी, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए राहुल जी। देखिए मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहूंगा कि एक बार कम से कम बिहार के मसले पे एक बार आप पढ़ लिया कीजिए। जो 19 लाख रोजगार की बात है तो उस कदम में राज्य सरकार चलना शुरू कर चुकी है, और जो आप विधायक को बंद करके मारने की बात कर रहे थे, अफसोसजनक बात यह है कि इस मुद्दे से मैं भी अनजान हूँ और देश में भी किसी चलन ने इस चीज को नहीं दिखाया। ये भी थोड़ा मुझे स्पष्ट कीजिएगा कि आपने ये जानकारी प्राप्त कहाँ से की। और तीसरी मैं बात बताना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार वेस्ट बंगाल में जो योजनाएं चला रही हैं, पहले तो आप उस योजनाओं को समझ लीजिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी पे ये बात जरूर कहते हैं कि ये ऑफिस बनाने में विश्वास करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेस्ट जो केंद्र सरकार जितनी योजनाओं को चला रही है, शायद आपको ये पता नहीं होगा कि वो किन किन योजनाओं को चला रही है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब घर में बाप होता है ना, तो बाप और बेटा में जब कॉम्बिनेशन बनता है तो रास्ता आगे का बहुत खुलता है। तो यहाँ पे मेरा इस कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जो विकास की रफ्तार है वो बहुत तेजी से चलने लगेगी। और अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा बना लिया है कि किसी भी प्रकार से मोदी सरकार का विरोध करना है, चाहे जो हो जाए, देश विरोधी ताकतों से भी अगर हाथ मिलाना पड़े तो हम तैयार हैं उसके लिए। जी ठीक है राहुल जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी डॉक्टर साहब। की सरकार है क्या वहाँ पे महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी कम हो गई, सड़क पानी स्वास्थ्य ये लोग कार्य कर दिए, तो लोगों को गुमराह न करें। जैसे बाप बेटा की इन्होंने उदाहरण दिया, तो केंद्र में आपकी सरकार है और स्टेट में है, वहाँ की स्थिति तो उस क्या बोलते हैं बंगाल से भी भरा हुआ है। स्थिति तो इतनी डरावनी है कि लोग घर से निकलना भी छोड़ दिए हैं, बहन बेटियों का तो खुलेआम उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, FIR दर्ज रह रहा है उसके बावजूद उसके बाप की हत्या कर दी जा रही है, FIR तक दर्ज नहीं किया जाता है, लाशें जला दी जाती हैं, घर वालों को नहीं दी जाता है, पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं है। इस बात की आप बात कर रहे हैं, उस स्टेटों में आपकी केंद्र में भी सरकार है और स्टेट में भी सरकार है, गुमराह मत करिए किसी को, देश की जनता समझदार है और बुढ़िया भी तरह बांधने की तैयारी करिए। चौकीदार को झोला देश का लेके जाने नहीं दिया जाएगा, काफी लोग झोला लेके जा चुके हैं चौकीदारी के तहत। ठीक है फटाफट एक लाइन राहुल आनंद जी, क्योंकि समय का अभाव है, फटाफट बोलिए। जिस प्रदेश के बारे में ये बात कर रहे थे तो मैं उनको बता दूं, वहाँ पे गुंडों को कैसे एनकाउंटर किया जाता है, चलते गाड़ियां पलट जाती हैं, जो योगी जी का राज है उस पर आप चिंता ना करें। और जो बहु बेटियों के साथ जो भी असामाजिक कृत्य घटा था उसके लिए पूरे देश को अफसोस है, लेकिन आप ये भी बताइए कि उन लोगों का क्या हर्ष वहाँ की सरकार ने किया है। राहुल जी समय का अभाव है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल में रातों रात खेल कभी भी बदल सकता है, क्योंकि ये बात तमाम पार्टियों की ओर से की जा रही है और लगातार जो सियासी समीकरण बन रहे हैं वो काफी दिलचस्प है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहें ANB News। नमस्कार।